गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट बायो स्टूडेंट अपन ने कल जो वीडियो बनाया था उस वीडियो के अंदर हमने देखा था, हम बात कर रहे थे मियोसिस डिवीजन के बारे में। और मियोसिस डिवीजन के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये दो स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस जो फर्स्ट डिवीजन था उस डिवीजन के अंदर हमने देखा कि इसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोटिपिक डिवीजन या रिडक्शनल डिवीजन हमने इसको कहा था। उसका कारण क्या था कि मियोसिस फर्स्ट के अंदर जो सेल हम लेकर के चल रहे थे उससे जब दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ था तो उन दो डॉटर सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो क्या हो गए थे, हाफ हो गए थे। यानी मैंने आपको बताया था कि जो सेल हमने ली थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि फोर जो क्रोमोसोम्स हैं वो हमने लिए थे, यानी जो सेल है वो कैसे भी डिप्लॉइड प्रकार की। और इसके अंदर जब मियोसिस डिवीजन यानी मियोसिस फर्स्ट हुआ और इसके द्वारा जो दो डॉटर सेल्स इसके अंदर बनी, इन दोनों डॉटर सेल्स के अंदर हमने देखा था कि जो क्रोमोसोम का जो नंबर है वो नंबर यहाँ पर क्या हो गया था, हाफ हो गया था। यानी यहाँ पर दोनों जो डॉटर सेल्स बनी उनके अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या हाफ हो गई। ये जो डिवीजन था, ये डिवीजन था कौन सा, मियोसिस फर्स्ट। अब इसके बाद में डिवीजन होता है मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड जो डिवीजन है वो डिवीजन किस प्रकार का है, होम्योटिपिक प्रकार का है। यानी इसके अंदर जो दो डॉटर सेल्स के द्वारा यहाँ पर फिर इनके द्वारा दो दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ बनने वाली जो डॉटर सेल्स हैं इनके अंदर क्रोमोसोम का जो नंबर है वो जितना इन सेल्स के अंदर है उतना ही इनके अंदर प्रेजेंट रहेगा। यानी ये डिवीजन होगा मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस सेकंड जो डिवीजन है वो डिवीजन माइटोसिस के जैसा ही होता है। यानी यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम है ये दो क्रोमेटिड का बना हुआ है, इसलिए इसका एक जो क्रोमेटिड है वो इस सेल के अंदर जाएगा, दूसरा जो क्रोमेटिड है वो इसके अंदर जाएगा, और इस क्रोमोसोम का एक जो क्रोमेटिड है वो इसमें जाएगा और एक जो क्रोमेटिड है वो इसके अंदर जाएगा। इसी प्रकार से ये वाले जो है उसके अंदर भी यही कंडीशन इसके अंदर रहेगी। यानी इनका एक एक जो क्रोमेटिड है वो इनके अंदर जाएगा और बाद में यही सिंगल जो क्रोमेटिड है वो डीएनए का सिंथेसिस करके अपने दूसरे क्रोमेटिड का फॉर्मेशन कर लेते हैं और एक कंप्लीट क्रोमोसोम का फॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर हो जाता है। तो जो मियोसिस का जो कंप्लीट प्रोसेस है उस कंप्लीट प्रोसेस के अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो फोर न्यूक्लियाई इसके अंदर प्रेजेंट है और इसके द्वारा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फोर डॉटर सेल्स बन रही हैं उनमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके कंपैरिजन में क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। तो मियोसिस सेकंड जो डिवीजन है इस मियोसिस सेकंड डिवीजन के अंदर भी हम देखेंगे कि वही स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं जो किसके अंदर प्रेजेंट थी, माइटोसिस के अंदर। यानी प्रोफेज, ये सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टेलोफेज सेकंड, ये वाली कंडीशन। तो इनमें जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है तो कई बार तो इसके अंदर ये होता है कि यहाँ पर साइटोकाइनेसिस हुए बगैर ही जो न्यूक्लियस है वो मियोसिस सेकंड के अंदर एंटर हो जाता है, और कई बार जो इनके अंदर साइटोकाइनेसिस हो जाता है यानी दो जो सेल हैं वो अलग हो जाते हैं, उसके बाद में इनके अंदर मियोसिस सेकंड का जो प्रोसेस है वो इनके अंदर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर प्रोफेज सेकंड जो इसके अंदर आएगी उस प्रोफेज सेकंड के अंदर देखिए क्या कंडीशन बन जाती है कि यहाँ पर अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर वापस अपनी हफ हो गई और न्यूक्लियोलस अगर वापस बन गया तो इस स्टेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो वापस डिसअपियर होना स्टार्ट होती है, न्यूक्लियोलस है वो भी डिसअपियर हो जाता है, और जो क्रोमोसोम जो क्रोमेटिन नेट में कन्वर्ट हो गए उनके अंदर वापस क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन होगा और ये कंडेंस फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। यानी यहाँ पर हमें क्रोमोसोम जो है वो दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद में मेटाफेज सेकंड। मेटाफेज सेकंड के अंदर क्या कंडीशन होती है,
कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस है वो कंप्लीटली इसके अंदर क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है कि इनका इनमें क्या बनते हैं, तर्कु तंतु यानी स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन जो है वो इनके अंदर स्टार्ट हो जाता है। तो जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्रोमोसोम यहाँ पर मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर जो है आ जाते हैं। तो इसमें मेटाफेजिक प्लेट के अंदर जब ये यहाँ पर आते हैं तो अब देखिए कि इनका जो काइनेटोकोर या सेंट्रोमियर है वो सेंट्रोमियर जो भाग है वो तो प्रेजेंट होता है इस तरफ, इसके ऊपर पाई जाने वाली जो मेटाफिजिक प्लेट है वहां पर, और इनका जो आर्म्स हैं ये आर्म्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं टुवर्ड्स द पोल्स, उस तरफ ये प्रेजेंट होती हैं, और जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये स्पिंडल फाइबर्स आकर के जुड़ते हैं इनके काइनेटोकोर के ऊपर। तो जिनके अंदर उस तो क्रोमोसोम होंगे, उसके बाद कुछ जो है वो इसके अंदर कैसे बन जाते हैं, इंटरजोनल प्रकार के बनते हैं, और कुछ जो है वो इसके अंदर कंटिन्यूस प्रकार के स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है। एनाफेज स्टेज जब इनके अंदर आएगी तो एनाफेज स्टेज के अंदर आने पर क्या होगा कि जो इंटरजोनल जो फाइबर्स हैं जहां पर सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर है वहां से दोनों क्रोमेटिड जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं, और दोनों क्रोमेटिड जो है वो किधर चले जाते हैं, एक जो क्रोमेटिड है वो एक पोल की तरफ मूव करेगा, दूसरा जो क्रोमेटिड है वो दूसरे पोल की तरफ मूव करता है। तो यहां पर जो क्रोमोसोमल जो फाइबर्स यहां पर बनते हैं उनके सिकुड़ने से ये जो क्रोमेटिड्स हैं वो क्रोमेटिड्स पोल्स की तरफ इनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, यानी ये पोल्स की तरफ पहुंचने लगते हैं, और इस प्रकार की कंडीशन जो है वो इनके अंदर डेवलप हो जाती है। यानी यहां पर स्पिंडल फाइबर्स में वो टूटने लगते हैं और इन क्रोमोसोम के अंदर एनाफेजिक मूवमेंट होती है, और उस एनाफेजिक मूवमेंट के द्वारा ये जो क्रोमेटिड हैं ये क्रोमेटिड्स कहां पर पोल्स के ऊपर पहुंचते हैं। तो फाइनली जब इनके अंदर टेलोफेज स्टेज आती है, उस टेलोफेज स्टेज के अंदर आकर के आप देखेंगे क्या कंडीशन बन जाती है कि ये क्रोमेटिड्स कंप्लीटली कहां पहुंच जाते हैं, पोल्स के ऊपर पहुंच जाते हैं, और जब ये पोल्स के ऊपर पहुंच जाते हैं तब इनके बाहर की तरफ फर्दर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, न्यूक्लियोलस जो है वो वापस बनना स्टार्ट हो जाती है, और साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो साइटोकाइनेसिस का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंदर मैंने आपको बताया था कि चूंकि प्लांट सेल पे सेल वॉल प्रेजेंट होती है तो ये सेल प्लेट मेथड के द्वारा इनके अंदर होगा कि यहाँ पर जो पीसेस हैं किसके, गोल्गी वेसल्स के और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, तो इनके जो पीसेज हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमोसोम्स बोलते हैं, ये यहाँ पर आकर के डिपॉजिट हो जाते हैं, और गोल्गी वेसल्स के द्वारा सीक्रेट होने वाला कैल्शियम एंड मैग्नीशियम टैक्टेट जो है वो एज ए सीमेंट की तरह काम करता है, मिडल लेमिना का फॉर्मेशन हो जाता है, और उसके बाद इनके ऊपर डिपोजिशन होता है सेलुलोज हेमी सेलुलोज यानी प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो एक सेल बनी उसके द्वारा दो डॉटर सेल बन गई, और इस सेल के द्वारा भी दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो डॉटर सेल्स बन रही हैं इन डॉटर सेल्स के अंदर हम देख रहे हैं कि जो क्रोमोसोम का जो नंबर है वो नंबर यहाँ पर क्या हो गया, हाफ हो गया, यानी जो पेरेंटल सेल थी जिसके अंदर मियोसिस डिवीजन हुआ तो उसके द्वारा बनने वाली चारों जो सेल है उन सेल के अंदर क्रोमोसोम का जो संख्या है वो कितनी हो गई, हाफ हो गई। अब स्टूडेंट इसके अंदर देखिए कि मियोसिस से डिवीजन की इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है और ये क्यों हो रहा है। तो मियोसिस जो डिवीजन है ये मियोसिस डिवीजन जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यानी जिनका जो लाइफ साइकिल है उससे लाइफ साइकिल के अंदर हम देखते हैं दो इवेंट्स जो है वो उनके अंदर होते हैं,
एक तो उनमें कहीं ना कहीं मियोसिस डिवीजन होता है और एक उनके अंदर कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन का प्रोसेस पाया जाता है। यानी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों जो पार्ट है वो एक दूसरे के अल्टरनेट फॉर्म के अंदर चलते हैं। तो अल्टरनेट कब चलेंगे, जब 2n या जो डिप्लॉइड कंडीशन है उस डिप्लॉइड कंडीशन से हैप्लॉइड कब बनेगी, जब इसमें मियोसिस डिवीजन होगा। तो इसके द्वारा यहाँ पर हैप्लॉइड बन गया और दो जो हैप्लॉइड बने उनके अंदर क्या हो गया, फ्यूजन होगा और फ्यूजन से ये वापस क्या कर देते हैं, डिप्लॉइड कंडीशन का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी दो जो जनरेशन है डिप्लॉइड और हैप्लॉइड, यानी जिनको हम गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक बोलते हैं, ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट चलती हैं। मीन्स इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाए जाते हैं। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसकी वजह से होगा, इस मियोसिस डिवीजन की वजह से ही होगा। क्योंकि यहाँ पर जो गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो गैमेट फॉर्मेशन मियोसिस डिवीजन के द्वारा इनके अंदर होगा और वापस फर्टिलाइजेशन से डिप्लॉइड कंडीशन जो है वो इनके अंदर आ जाती है। तो जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है उन ऑर्गेनिज्म के अंदर मियोसिस डिवीजन जो है वो कंपल्सरी। सेकेंड, यहाँ पर हमने देखा कि मियोसिस फर्स्ट जो डिवीजन हुआ उस मियोसिस फर्स्ट डिवीजन के अंदर जो उसकी प्रोफेज फर्स्ट थी, उस प्रोफेज फर्स्ट के अंदर हमने पांच जो सब डिवीजन उसके अंदर प्रेजेंट थी उनके अंदर हमने देखा था क्या कंडीशन थी, कि उनमें सिनेप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी होमोलोगस क्रोमोजोम एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, पेयरिंग करते हैं। सेकेंड, उनके अंदर जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड थे उन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के अंदर जीन का एक्सचेंज हुआ, यानी यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर जो है वो इनके अंदर होती है। तो उस क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही क्या होता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो नेक्स्ट जनरेशन है वो नेक्स्ट जनरेशन कम्प्लीटली हूबहू वैसी नहीं होती जैसे उनके पेरेंट्स होते हैं। उनमें डिफरेंस जो है वो आता है, और वो डिफरेंस किस वजह से आता है कि जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है या जहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है उस कॉम्बिनेशन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके अंदर वेरिएशंस आते हैं। तो ये जो वेरिएशंस हैं ये वेरिएशंस पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो चलते रहते हैं और उन्हीं की वजह से काफ़ी सालों बाद में एक नई स्पीसीज का जो फॉर्मेशन है वो इनके अंदर डेवलप होता है। क्योंकि अगर पेरेंटल कंडीशन लगातार एक जैसी चलती रहेगी तो नई जो वेराइटीज़ हैं या जो वेरिएशंस हैं वो उनके अंदर नहीं आ पाएंगे। तो जो नए वेरिएशंस आते हैं या जो विभिन्नताएं उनके अंदर डेवलप हो रही हैं वो विभिन्नताएं किसकी वजह से होती हैं, मियोसिस डिवीजन की वजह से ही होती हैं। यानी जो मियोसिस डिवीजन होगा उसी की वजह से उनके अंदर क्या आते हैं, वेरिएशंस आते हैं, और नेक्स्ट जो जनरेशन है वो अपने पेरेंटल जनरेशन से क्या होती है, डिफरेंट होती चली जाती है और कई सालों बाद में नई स्पीसीज का जो है फॉर्मेशन इनके अंदर हो जाता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है मियोसिस डिवीजन की। अब इसके अंदर हम नेक्स्ट जो है करेंगे कि इनमें जो सिनेप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स है वो इनके अंदर कैसे बनता है और उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स।